हेलो एवरीवन, दिस इज कुलदीप हेयर। वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप, कोई भी फसल कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो क्रॉप क्या होता है मुझे समझना है कि जैसे कोई एक वीट का प्लांट है तो इसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे, एक प्लांट है। बट एक लार्ज एरिया पे एक सिंगल प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे क्रॉप। देखिएगा क्रॉप क्या होता है, हमने अभी आपसे बात करी। क्रॉप, सेम टाइप ऑफ प्लांट एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। एक जगह पर बहुत सारे प्लांट है ना, सिंगल प्लांट और लार्ज नंबर में हो तो उसको बोलेंगे क्रॉप। हमारे पास टाइप ऑफ क्रॉप है, हमारे पास पहला हमारे पास दिया है खरीफ क्रॉप। खरीफ की बात करें तो खरीफ क्रॉप जून से सितंबर में के सीजन में होती है, इसको हम रेनी सीजन बोलते हैं। ये लिखा हुआ है रैनी क्रॉप है ना, रैनी सीजन में मतलब जून में इसको हम लोग सो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर में। मतलब जून में हम बोते हैं, बीज लगाते हैं, सितंबर में हमारे पास क्रॉप प्रिपेयर हो जाती है, तैयार हो जाती है। मेनली आपको ध्यान क्या रखना है कि रैनी सीजन में होता है खरीफ क्रॉप, जून से सितंबर के बीच में। और एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका राइस हो गया, कॉर्न हो गया, राइस कॉर्न, सोयाबीन, सुगरकेन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सेकेंड क्रॉप टाइप है आपका रबी क्रॉप। सेकेंड क्रॉप की बात करें, जो रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप की बात करें तो विंटर सीजन में होता है और अक्टूबर में सो करते हैं, बोते हैं, सीड लगाते हैं, मार्च में हार्वेस्ट कर लेते हैं, मार्च में हमारे पास क्रॉप रेडी हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वीट, ग्राम, पोटैटो, ओट्स, कोरिएंडर, मस्टर्ड। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास दिया है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कितने स्टेप में होती है, तो 7 to 8 स्टेप हमारे पास है। पहला तो हमें सॉइल फॉर्म करना है कि जिस सॉइल में हमें प्लांट ग्रो करना है क्या उसमें रिच न्यूट्रिएंट है, ह्यूमस है, वो हमें चेक करना होगा। सॉइल को लूज करना होगा, उसको एयरी करना होगा कि उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल के अंदर एयर रह सके, उसको पोरस करना होगा। राइट, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल कैसे करेंगे, बाय यूजिंग प्लो, हो और कल्टीवेटर, है ना। वन बाय वन देखते हैं इनके हम तीनों के स्ट्रक्चर। हमारे पास ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, कल्टीवेटर है, ये आपके पास क्या है, प्लगिंग कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, है ना, और ये हमारे पास क्या है। इन सबका एक सिंगल पर्पस है कि हमें सॉइल को लूज करना है, सॉइल को सॉफ्ट करना है, जिससे उसके अंदर एयर इजिली जा सके, पोरस करे उसको। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट हमारे पास दिया है कि सो करना है, सीड को सो करना है। एक तो होता है कि आपने हाथ में सीड लिए और स्प्रेड कर दिए, जिससे कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है कि हो सकता है कहीं पर सीड का नंबर ज्यादा हो जाए, कहीं पर कम। तो हमारे पास क्या है, एक और ये मेथड है, यहाँ पर क्या है, ये फनल शेप हमारे पास स्ट्रक्चर है जहां पर सीड ऐड कर रहे हैं और नीचे का जो नैरो एंड है, शार्प एंड है, तो वहां से सीड वन बाय वन पाइप से निकलते रहेंगे। तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने क्या किया, सीड को सो कर दिया है। ये हमारे पास क्या है, सोइंग का मेथड है। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है आफ्टर सोइंग हमें क्या चाहिए होगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल है, इसको हमने बनाया है केमिकल की हेल्प से। मैन्योर आपका नेचुरल है, लाइक आपका बना है गोबर से बना हुआ है, डंग से बना हुआ है, राइट, बना हुआ है आफ्टर डीकम्पोजिशन, किससे बना हुआ है, डीकम्पोजिशन, जो घर का वेस्ट है उसको उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं ना, कंपोस्ट, तो वो किस में आ जाएगा, मैन्योर में आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो हमारे पास मैन्योर है बोला गया नेचुरल सब्सटेंस है, और फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल सब्सटेंस, हमने लैब में बनाया, आर्टिफिशियल है। और यहाँ पर मेनली हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर बात करें फर्टिलाइजर की तो यहाँ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैन्योर की बात करें, मैन्योर बहुत रिच नहीं होता है न्यूट्रिएंट में, लेकिन जो फर्टिलाइजर है हमने इसी पर्पज से बनाया है, यहाँ पर एन पी के, सोडियम, एन फॉर आपका नाइट्रोजन,
पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ये तीनों एलिमेंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं हमारे पास कहाँ पर, न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर में। ठीक है, जो आपका मैन्योर कहाँ मिलेगा आपको, सॉयल में मिलेगा, जबकि हम बात करें फर्टिलाइजर नहीं मिलता है आपका ह्यूमस में, सॉयल में, टॉप सॉयल में। ठीक है, अब देखिएगा कि जो मैन्योर है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर, जो आपका प्लांट वो बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो आपका फर्टिलाइजर है वो प्लांट बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अच्छा कौन सा है, तो केमिकल है तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल है, हमारी सॉइल को इनफर्टाइल कर देगा, तो वी विल गो विद मैन्योर, राइट, चलेगा। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे हम लोग इरिगेशन की बात कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड, और हमारे पास दिया है स्प्रिंकल, स्प्रिंकलर, राइट। ड्रिप में क्या है भाई, आप देखिएगा ये हमारे पास कोई प्लांट है, ये इसकी रूट है, राइट, तो ये रूट में डायरेक्टली वाटर कौन देगा, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर में क्या कर रहा है कि कंप्लीट जितना भी एरिया है पूरे एरिया पे क्या कर रहा है, वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो जैसे लाइक आपका डेजर्ट एरिया है, लाइक आपका राजस्थान है ना, तो राजस्थान में जहां पर वाटर कम है, वाटर लेवल कम है, तो हम वहां वाटर को सेव करते हैं, तो ड्रिप सिस्टम क्या करता है, वाटर को कंजर्व करता है, वाटर को सेव करता है, केवल प्लांट की रूट में वाटर देगा, प्लांट वाटर को वेस्ट नहीं करने वाला है। और रेस्ट ऑफ हमारे पास क्या है, मोड ऑफ इरिगेशन, हमारे पास मोट है, चेन पंप सिस्टम है, रेकली है, राहत है, ये सिस्टम पहले थे, आज ये सब इनकी जगह कौन आ गया है, हमारे पास मोटर आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स आ गई है ना, समरसेबल वगैरह ने इनकी जगह ले ली, तो ये सारे सिस्टम पहले हुआ करते थे, जब हमारे पास ट्यूबवेल, हमारे पास क्या था, नहर से पानी आ रहा है, या हमने क्या किया हुआ है, इसको चेन पंप की बात करें, यहाँ पर वाटर स्टोर कर लिया हमने, लाइक ये वेल जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से वाटर हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और उसको पहुंचा रहे हैं खेत तक। ठीक है, ये सारे के सारे कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास दिया हुआ है हमें वीड को, वीड से बचाना है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, क्या यूज करेंगे, केमिकल यूज करेंगे, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड और अदर केमिकल, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, गैमेक्सीन है, डीडीटी है, इनका यूज कर रहे होते हैं, किसके लिए, 2,4-D है, 2,4-T है, ये केमिकल है जिनका यूज करते हैं वीडिसाइड और प्लांट से, प्लांट को वीड से बचाने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, हार्वेस्टिंग की। सर आपकी जो क्रॉप है वो प्रिपेयर हो चुकी है, अब उसको कट करना है और आफ्टर मेजरिंग कट करके उसको स्टोर करना होगा, कट कैसे करेंगे, तो मैन्युअली कट करें बाय यूजिंग सिकल, सिकल यू नो कि एक ऐसा शेप होता है इस तरीके से, यहाँ पर कुछ हमारे पास, इसको हिंदी में हसिया बोलते हैं ना, सिकल से मतलब कर्व शेप में, और यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कर्व रहता है और उसमें पॉइंटिंग रहता है, पॉइंटेड रहता है, जिससे आप क्रॉप को मैन्युअली कट करते हैं। आप हार्वेस्टर का यूज करिए, मशीन्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जो हार्वेस्टिंग पे डिपेंडेंट है, आपकी लाइक पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबायना और बिहू, ये सारे के सारे जो फेस्टिवल हैं ये कब होते हैं, जब कोई क्रॉप, कोई आपकी फसल हार्वेस्ट होती है, कटती है, उसकी खुशी में हम लोग क्या करते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोर की बात कर रहे हैं तो मॉइस्चर से बचाना है उसको, इंसेक्ट से बचाना है, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार केमिकल यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, और कई बार हम लीफ से यूज करते हैं, लीफ किसकी, नीम प्लांट की। ठीक है, क्योंकि वो कैसा होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है उसमें, तो वो बचाता है किसे, कि हमारे जो क्रॉप है उसमें जो माइक्रोब्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, उनसे दूर रहे, है ना। ठीक है, लास्ट हमारे पास दिया हुआ है क्या, कि बहुत सारे एनिमल हैं जिनसे हम फूड ऑब्टेन करते हैं, वो एनिमल कौन से हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मिल्क की बात करें तो काउ, बफेलो, सी गोट और सी कैमल, है ना, फिश की बात करें तो फिश से हमें क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉड लिवर ऑयल, फिश से क्या मिल रहा है हमें, अगर आप फिश ईट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉड लिवर ऑयल, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में पड़ता है, और फिर हमें बोला कि ये रिच किस में होता है, ये बहुत ज्यादा होता है विटामिन डी, विटामिन डी रिच होता है कौन आपका, कॉड लिवर ऑयल, जो कि कहाँ मिलता है हमें, फिश से मिलता है। यहां से हमने देख लिया कि जो एनिमल्स हमने ग्रो किए अपने फायदे के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, उनको ग्रो करना,
उनको केयर करना, उनको रेयर करना, ये आता है एक नई ब्रांच है एग्रीकल्चर की, इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल। ऐसे एनिमल जिनका हमारे लिए, हमारे लाइफ में यूज है, हम उसको केयर कर रहे हैं, उसको उसकी हेल्थ और शेल्टर, फीडिंग, सारा कुछ केयर कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। चलिए, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट चैप्टर कवर कर लिया है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। क्लास 8th का चैप्टर आपने फर्स्ट कवर किया, नेक्स्ट आपको मिलेगा चैप्टर 2nd, ठीक है। होप आपने एंजॉय किया होगा, सारे पॉइंट कवर कर लिए गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू एंड टेक केयर।